क्या सीखेंगे बच्चे आपसे भाई, हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं पे कहीं गई नहीं भाई, तिरंगा है अपनी शान है ये, ऐसा देश है मेरा। मेरे परिवार वालों को तो मौका चाहिए, वो तो तुरंत ही पहुंच जाते हैं। दम होना चाहिए उस चीज के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है और एम उठ गया हमसे पहले, क्योंकि दो रात हो गई ना ये मैं सोने नहीं दे रहा। पता नहीं इसमें क्या मस्ती आ जाती है ना, ऐसे रात को उठ के बैठेगा मतलब खेलने की कोशिश करेगा। तो बस ये थोड़ा जल्दी उठ गया था, मैं इसके घंटे बाद उठी क्योंकि रात में इसने ना बिल्कुल नहीं सोने दिया। हाँ जी, आप सब ये बोल रहे हैं कि एमी को ना ज़्यादा दिखाओ, हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहा इसमें तो पसंद करने वाली कोई बात है ही नहीं। अब देखो ये कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब कल जैसे आपने बात करी थी वैसे बात करके दिखाओ सबसे, बात करना चाह रहे हैं आपसे। बात करो एमो, बात करो सबसे। बाय बाय बाद में करोगे, बाय बाय कर रहे हो अभी, बाद में करवाऊंगी, बाद जब ये मूड में होगा। अभी ये सुबह सुबह का टाइम, थोड़ा लाड लड़ा रहा है, उठ के आई हूँ ना इसलिए। ये उठ के पहले बाहर आ गया था हमसे। गुड मॉर्निंग बच्चा, करो बोला। कई दिन बाद आज तैयार हो गए हूँ और अब निकलेंगे बीजिंग के लिए। एमए को वही सेम रूटीन है अपना, वो सोने के लिए चला गया और मैं मित्तू जाएंगे जिम में। अभी बस फेस वॉश करके आई हूँ, जिम आ गए थे, जिम करने लग रहे हैं। और बहुत सारे बहनों के कल कमेंट आए हुए थे कि बहुत सारी तो बोल रही थी कि सुंदर लग रहे हो ये वो, और कईयों का कमेंट ये भी था कि आपको भी पतला होने की नीड है। तो ऑब्वियसली अभी मेरा बेटा एक साल का हुआ और इतना जम के मैंने सारी चीज़ें नहीं करी, मेरा बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है छुट्टी का जिम आने का। तो यस अभी करना है, अभी है लोअर फैट भी है, अभी साइड फैट भी हल्का है। और आप सोचो कि एकदम से बेबी होते ही स्लिम फिट हो जाए, तो वो जितनी भी माएँ हैं ना वो इस चीज़ को समझ पाएंगी, इतना ईजी नहीं होता है। कोई नहीं, कोशिश जारी है। पहले तो बहुत ज्यादा था, पहले से तो मैंने लगा लो आधा कम कर, बट यस थोड़ा फिटेड पहनते हैं ना तो यस लगता है कि हाँ है। जिम में गए ना जब तो हल्की हल्की धूप थी, और जैसे जिम से आए तो देखो बढ़िया वाली बारिश हो चुकी है। तो गाइस मैं तो नहा के हो गई हूँ बिल्कुल तैयार, और मौसम हो गया बिल्कुल डेट पे लेके जाने का, और मैं उसी तरीके से रेडी भी हुई हूँ कि ये मुझे लेके जाए बाहर। बिल्कुल काफी दिन बाद मैंने शॉर्ट्स कपड़े डाले। अब देखो पहले मैं नहाने चली गई, वैसे मुझे आते ही प्रोटीन पीना था। जो लोग मुझे मोटी बोल रहे ना, यस टमी बाकी है, ये वाला थोड़ा कम करना है, बट ठीक है पहले से ठीक है। लो जी अभी पहन लिया मैंने अपनी सेकंड ड्रेस जिसकी मुझे निकालनी थी। वीडियोस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? पता नहीं मुझे क्यों ऑरेंज कलर चाहिए सूट का हो चाहे ड्रेस का, मुझे अच्छा लगता ही है। और इस ड्रेस के साथ ना ये बेल्ट नहीं थी, तो ये बेल्ट मैंने जो है ना लगाई है, खाली मुझे ड्रेस से हुई थी, बट अच्छा खासा मैंने इसको बना लिया, मुझे थोड़ी लूज सी लग रही थी। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो मतलब जो धागा है वो सुई में किस लिए डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है एक रील, और रील के लिए ना ये चाहिए कि, और ये किस किस से नहीं डलता बताइयो, मेरी मम्मी मेरे तो डलवा करती, मेरे तो पहले भी कभी नहीं डला करता और अभी नहीं डल रहा। एक फटाफट मुझे जो है ना सीलना, ये देख लो एक सिर्फ 15 सेकेंड की वीडियो के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। और आप देख के क्या सीखेंगे बच्चे आपसे भाई, हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, सीखने के लिए नहीं बनाते, ठीक है? हंसी आए तो हंस लिया करो ना, तो मत देखा करो, ज्ञान मत पिला करो। मैं ना जियो पे आजकल ना ये सोतेली डायन ना सोतेली पता नहीं कौन सा वाला सीरियल है, सुहागन चुड़ैल वाला सीरियल है, मैंने कल देखा था इसका एक दो एपिसोड, आज फिर देख लिया। तो यहाँ पे सिर हो रहे हैं कि अब और कुछ नहीं मिला तो ये देखने लगे सुहागन चुड़ैल। अच्छा है जियो सिनेमा पे, देखना मजा आएगा। मुझे तो ना शुरू से ही ना मतलब ये नागिन वाले सीरियल देखना बड़े अच्छे लगते हैं, शुरू से ही देखते हो, किस किस को पसंद है बताइए। शानदार लग रहा है ना नजारा, देख लो मौसम के साथ ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है। दो दिन से हम इतना ज्यादा परेशान कर रहा, रात को ना बिल्कुल नींद नहीं आती, और अब रोटी रोटी खाने के बाद फिर इतनी बढ़िया नींद आया, वैसे ऐसा मन कर रहा है सो जाओ आराम से, कम से कम 2 घंटा अच्छे से नींद आए। और फिर सोचते हैं यार 2 घंटे तो कोई काम ही निकाल लें, सोते नहीं है और लेजी, मतलब बिल्कुल ऐसे नींद ना सिर में ऐसे ऐसे घूम रही है बिल्कुल। तो गाइस आपको पता अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो मेरे को ना यहाँ रोड पे हम जाने लग रहे थे, बाहर आए थे, आप लोगों को पता ही है। तो ना ये छोटा सा बच्चा मुझे ना फ्लैग भेजते हुए दिखा, तो मुझे लगा यार ले लेती हूँ एमी के लिए और अपने लिए। और एक चीज़ और,
उतना ही लेना जितना आप यूज कर सको, ऐसा ना हो कि आप ले तो लेते हो बाद में फिर उसको फेंकते डोलो कहीं सड़क पे कहीं गई। नहीं भाई, तिरंगा है, अपनी शान है ये, तो मैं ले रही हूँ अभी। चलो दे, तो मैं ले आई हूँ अपना तिरंगा। कैसे कितने प्यारे प्यारे सॉन्ग होते थे ना, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बस मेरे को तो पूरे गाने याद हैं ये वाले। ये देखो, ए वो 12 तारीख है, बोलो जय हिंद, बोलो बोलो जय हिंद। अच्छा जय जय कर दे तो। अरे 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 कितना क्यूट लग रहा है इसके हाथ में झंडा फ्लैग। अरे तो गाइज अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, जो मैंने पहले जो 4 सूट जो मैंने डाले थे ना वो सारे सेल आउट हो चुके हैं। अभी तक 4 ही डाले, चारों के चारों निकल गए। और अभी ना 2 सूट और दिखाऊंगी, जो जिनको लेने हो ले लेना, जैसे मैं जब रीसेल के लिए निकालती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ अभी। और आके मैंने ना बाहर से कपड़े चेंज कर लिए थे, और ये मेरा पुराने वाला टॉप है जो शादी के बाद पहले बर्थडे पे मित्तू मेरे लिए लेके आए थे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, मतलब कम्फर्ट भी है, और ये मुझे टाइट आता था और मुझे लूज हो गया, तो मुझे काफी खुशी हो रही है इस चीज की। तो गाइस मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने सूट, तो जल्दी जल्दी दिखाएंगे, बहुत लंबा नहीं। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना व्हाइट कलर का सूट, पिकॉक वाला, ये देख लीजिए जी, बहुत ही प्यारा सूट है। ये पूरा पेंट ब्रश वाला काम इस पे हो रखा है, नीचे झोली पे लैस दिख रही होंगी आपको, बाजू पे लपोनी बाजू है, बाजू पे लगवाई है ये लाइट मल्टी कलर वाली लैस, सेम इस पे भी वही है। और बाजू पे अगर इधर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चुनकट सी लगी हुई है, जो यहाँ पे काफी अच्छा सा एक फ्लावर सा दिखता है, तो लुक काफी अच्छी आती है इससे। फिर बैक पे चलते हैं जी, बैक पे ऐसे चकोर में गला करके, और इस पे 2 ऐसे ही सेम जो बाजू पे लैस लगी है वही लैस लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा सुंदर सूट लग रहा है ये, ठीक है। इसके नीचे जी सलवार नहीं है, इसके नीचे है जी ओपन प्लाजो शरारा गरारा जो भी बोलना चाहो बोलो। ये देख लो कितना प्यारा घेर आ रखा है इसका, और कितना बढ़िया लग रहा है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है पहनने के बाद, बहुत ही मस्त लुक आएगी इसकी। आप लोगों ने देखा भी होगा मैंने जब पहना होगा वीडियो में और ब्लॉग में जहाँ पे भी। और ये देख लो दुपट्टा, दुपट्टे पे जो सेम झोली पे लैस है वो लैस है दोनों साइड, और पूरे दुपट्टे पे जो है प्रिंट हो रखा है, मतलब पेंट हो रखा है ब्रश पेंट। ये देख लो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ये दे रही हूँ 1500 रुपए में। इसकी कोई स्टिचिंग का चार्ज नहीं, कोई लेस का आपसे चार्ज नहीं, कोई डिजाइन का किसी चीज का चार्ज नहीं, सिर्फ कॉस्ट है इस सूट की, वो मैं ले रही हूँ आपसे 1500 रुपए। अगला आते हैं जी पाकिस्तानी सूट पे। इस सूट की बहुत ज्यादा डिमांड आई थी जब मैंने पहना था, तो इसका हम फ्रंट देखेंगे, तो इसको एक बार मैं हटा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये देखो इसके जो फ्रंट में रहेंगे ना पूरा पाकिस्तानी फ्रंट आपको पूरा भरा भरा दिख रहा होगा, राइट। और ये इसके फ्रंट में पूरे मिरर दिख रहे होंगे आपको, पूरे सूट पे मिरर है, ठीक है। वही सेम पोनी नहीं बोलेंगे इसको, मतलब कोहनी तक की जो बाजू वाला डिजाइन है, ये देखो मेरे यहाँ तक आता है, ये देख लो। और यहाँ पे वही बाजू सेम वो चुनकट वाली बाजू है, और पीछे ना बिल्कुल सिंपल ओवर साइज पे कोई डिजाइन नहीं हो रखा, पीछे से सिंपल राउंड नेक रहेगा पीछे से भी बैक में, और बैक में डिजाइन बिल्कुल फ्रंट वाला ही है। बट फर्क क्या रहेगा, इसमें ना पीछे स्टोन नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल प्लेन वाला मिलेगा। और फिर आते हैं जी इसके प्लाजो पे, प्लाजो आपको वही ओपन वाला प्लाजो रहेगा, ये देख लो बहुत ही प्यारा सा कंफर्टेबल सा प्लाजो है, और बिल्कुल ऐसे हैवी लुक नहीं दे रहा, बिल्कुल लाइट वेट में ही है, काफी प्यारा लुक देने वाला है ये वाला सूट भी। और ये सिर्फ आपको मिल जाएगा 1000 में, ठीक है। इसका भी किसी चीज का चार्ज नहीं ले रही मैं, सूट का प्राइस ले रही हूँ सिर्फ। और ये देख लो दुपट्टा इसका इतना ज्यादा हैवी है, अगर इसका सिर्फ आप एक अलग से कमीज सिलना चाहो ना तो वो भी सिल सकते हो, पूरा जो सूट पे काम है वही है इस पे, और मिरर का काम है ये देख लो पूरे सूट पे, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं कमेंट में नंबर डाल दूंगी, जिन बहनों ने ये दोनों सूट लेने हैं तो आप उस नंबर पे जो है ना मैसेज करना, आपको ये सूट मिल जाएगा, ठीक है जी। प्राइस मैंने दोनों का बता दिया है, ये आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा, वो आपको 1500 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। एमू को लेके आप लोगों ने इतने प्यारे कमेंट किए हुए, इतने प्यारे कि आपके ब्लॉग तो पहले भी अच्छे लगते थे, बट एमी के आने के बाद तो 4 चांद लग गया। और एमू को देखना ब्लॉग में, उसकी शरारतें इतनी ज्यादा अच्छी लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा एमू को दिखाएं, थैंक यू सो मच, एमू को इतना प्यार देते हो। और ये ना शरारती, बहुत ज्यादा शरारती है ये। और दूसरा कमेंट आया था कि जो भी हम जैसे कमल जो भी बनाए तो उसकी रेसिपी शेयर करें, यस, कुछ भी नई चीज़ या कुछ भी होता ना हम लोग वो चीज़ शेयर करने की कोशिश करते हैं अगर हम फ्री हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर खाना भाई हम लोग जिम चले जाते हैं ये उस टाइम बनाता है, मम्मी एमी के साथ होती है, नहीं हो पाता शूट, बट जब हाँ
कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा तो टाइम निकाल के जरूर दिखाएंगे। ए मम मम मम, कैमरे में ना लाइट जलती इतनी अच्छी दिख नहीं रही, और वैसे बहुत ज्यादा शाइन कर रही है लाइट। एमओ सबको हाय करो, ज्यादा गाड़ी में नहीं घूमते, हाय करो सबको। अरे गॉड ब्लेस यू, जय जय करना सबको, जय जय, जय जय करो, सब देख रहे हैं आपको। हाँ जय जय मम मम, नी जय जय करो करो बेटा। एक मेरी किसी प्यारी बहन का ना एक मैसेज यो भी दे रखा था, मतलब इसका मैं जवाब देना जरूर चाहूंगी कि एमी के बर्थडे पे भाई वहां तो ना वो तो मैंने बता ही दिया था, बट एक यो था कि मेरे परिवार वालों को तो मौका चाहिए, वो तो तुरंत ही पहुंच जाते हैं। तो पहली चीज तो भाई छोरी के यहाँ जाने का फुल फैमिली में दम होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर मान लो सारे जन मैं जैसे आए हैं मेरे घर वाले, अगर नहीं आते तो उनका उफ सीधी सी बात है खर्चा नहीं होता, उनके पैसे बचे रहते, ठीक है, और आए हैं तो खर्चा करके आए हैं, ठीक है, 9-10 हजार की कितने की तो गाड़ी लेकर आए, मेरी सासू माँ का सूट लेकर आए, मेरा सूट लेकर आए, एम्मी की ड्रेस लेकर आए, सारे की मान करके गए, और छोरे थी बर्थडे के नाम का कैश दे के गए, तो दम होना चाहिए उस चीज के लिए भी। एक मिनट में मुंह तो जब्बा निकाल दो, मतलब पता नहीं मेरे घर वाला तो अलग था, तो मम्मी मेरे घर वाला तो अलग था, चिड़ क्यों है, एक करे मान ले मेरे पास आ रहे हैं तो खर्चा ही तो करे कि मैं सोचण की बात होनी चाहिए ये तो थोड़ी सी भाई। तो मिठाई खराब क्यों बताओ, तो बेरा ही ना कहती बताओ है, अगर मेरी मम्मी आवे या मेरे घर वाले अगर आते हैं किसी ओकेजन पे किसी चीज पे तो भाई दम उन मान का खर्चा हुआ है, ठीक है, नुआ को नहीं आ जाता छोरी का ना बेरा, तो बता दे हमने कि एक मिनट में कह रहे वो उधर से तो आए को नहीं, इनके घर वाले ने मौका मिल जाए तो बाहर टपके हैं, बता चाले कर जाऊंगा फिर ना, लोग ने ना एक एक पॉइंट चाहिए न्यू को नहीं, डेली लाइफ का डे वन था, आप लोग हमारी लाइफ देखने लग रहे हो कि हम लोग कैसे रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसी फैमिली, 50 व्लॉग में ऑलरेडी ये क्लियर कर चुकी है हमारी जॉइंट फैमिली है, 50 बार सच में ये बता चुकी हूँ, हर व्लॉग में जाती हूँ हमारी जॉइंट फैमिली है, उधर मम्मी भैंस रखती है वो नहीं आ पाती, फिर भी एक ही चीज वो नहीं आए, उनको नहीं बुलाया, फलाना दिकड़ा ये वो, यार मैं तो ना सच बता रही हूँ वही सही कह है, वो बताना ही छोड़ना पड़ेगा, बट मेरे न्यू लगा है कि एटलीस्ट जो पुराने जो नए सब्सक्राइबर आओ ना उन्हें साथ के साथ क्लियर होता रहे कि भाई किस टाइम मतलब क्या है हिस्ट्री, क्या है क्या स्टोरी है, बता दे अम्मी बता दे एक बार बता दे क्या बात है इसका तो चल रहा है, इसका है ना ये सामान इसने नीचे गिरना है, इसका दिक्कत यह है, देखिए अभी इसने नीचे गिरा सारी चीजा ने, इसकी शुरू हो चुकी है, हैं गिरा दे बेटा गिरा दे काम ही है तेरा गिराने का, गिरा दे। यहाँ कमल ने बना दिया क्या सब्जी है ये, अच्छा ये आलू टमाटर, पर ये आलू टमाटर कम लग रहे हैं, ये मतलब वो घुलमा से सब्जी होती है ना वो ज्यादा लग रही है, खट्टे मीठे वाली बनाई है, और इधर लग रहा है आटा। मैं ना मित्तू के पास अंदर आ गई हूँ तो देखना भी, ये देखो देखना भी, ये काम कर रहे थे कुछ, ये देख लो इसको, ये दिख गया मैं वहां से यहाँ आई हूँ तो सीधा पीछे पीछे आया है बिल्कुल, ये देख लो अब रुकने नहीं देगा, और दोनों पापा बेटे का सेम हो रखा, ब्लैक टी शर्ट उनकी और सेम देख लो। चलो बाहर साफ सफाई करनी आपकी, चलो सोएंगे, नीनी टाइम हो गया, एमी के कर दिए कपड़े चेंज, बस अभी इसको सोने के लिए लेके जाएंगे, उसके पापा पहना रहे हैं इसको पजामी, और रात में कभी कभी इसको डायपर पहनाते हैं, कभी कभी नहीं पहनाते क्योंकि ये रात में कभी कभार तो आराम से सो जाए, बच्चे का भी ना कुछ फिक्स नहीं होता, और कभी इतना परेशान करेगा, एक बार वहाँ सुसु करेगा, एक बार वहाँ करेगा, हाँ, और कई बार मेरे भाई ना खुले क्योंकि दिन भर भी सारा काम करेगा। क्या बेटा
कह रहा मेरे को लेके जाओ सोने के लिए, और अब अंदर लेके जाएंगी ना, लेके जाऊंगी ना फिर इसकी मस्ती देखना। अब तो मेरा आ गया है डिनर, यहाँ पे आ गई सब्जी और यहाँ पे आ गई है रोटी, और ये दोनों पापा बेटे देख रहे हैं कि हाँ हमें भी मिले खाने के लिए। नहीं है, मेरे को तो खिला दिया था, बस इसको मैं फटाफट से खा के इसको सुलाने के लिए लेके जाऊंगी। और यार चिल करा करो, मत इतनी टेंशन लिया करो, माइक वाले आ जाए, वो आ जाए, फलाने आ जाए, यार डेली व्लॉग देखा करो, हमने भी भड़क मत दो और इंजॉय लो। सही बताऊ ना, पसंद आओ ना तो बेशक मत देखो, कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ गई यूं को नहीं कहता यार देखो। पर बताऊँ जब कमेंट अच्छे पड़े हैं ना तो हमने भी थोड़ी पॉजिटिविटी मिला है, डेली घर का काम भी, बालक भी, आप लोगों के लिए व्लॉग निकाले हैं, वीडियो निकाले हैं, बहुत बड़ी चीज़ आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा। तो चलिए इसी के हैप्पी मोड के साथ, पहले तो खाना खा लो, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का भी एंड। एमी बाय बोलो फटाफट से, बाय बोलो, गुस्से में हो रखा मैं, बोलूँ बाय बाय।